भाई ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो वापस आना ही था, सो आ गया। अब सब कहाँ हैं? अब अपने कमरे में आए। थैंक यू। आप कैसे? ठीक हूँ। अब्बा देखें आपसे मिलने कौन आए। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। मैं अपनी मानत लेने आया तमीजुद्दीन साहब। मैंने अपना वादा रखा, एक बार भी वादा खिलाफी नहीं की, और अब उम्मीद है कि आपको भी कोई एतराज नहीं होगा मेरी अफ्रे की शादी पर। वैसे कहाँ है वो? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इतना जुर्म कोई कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप मुझे टालना चाहते हैं क्योंकि आप आज भी मुझे पसंद नहीं करते। आप प्लीज ऐसा मत करें, बुलाएं उसे प्लीज। इफ्रा की शादी हो चुकी है तुम्हारे जाने के कुछ ही अरसे बाद। मैंने उसका निकाह कर दिया था और साथ ही रुखसती भी। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपसे कहा भी था, अरे आपके आगे हाथ जोड़े थे मैंने। इफ्रा सिर्फ मेरी है, मोहब्बत करता हूं मैं उसे। गिड़गिड़ा कर मांगा था मैंने आपसे उसे, और आपने वादा भी किया था। आपने तो अपनी जुबान की भी लाज नहीं रखी। बकवास बंद करो, तमीज से बात करो। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे किसी बात से रोको। बाप हूं मैं इफ्रा का, मैं जहां चाहूं उसकी शादी करो। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम मुझे रोक सको? जाओ यहां से। आपको अपने जुर्म का जवाब देना होगा। आपने एक वक्त में दो कत्ल किए, मेरा और इफ्रा का। मैं आपको माफ नहीं करूंगा कभी। जो होना था ना हो गया, अब यहां तमाशा खड़ा मत करो। इनकी हालत देख रहे हो? आज ही आए अस्पताल से वापस, अटैक हो गया था, दोबारा हो गया तो बचेंगे भी नहीं, डॉक्टर ने कहा है। और रही इफ्रा की बात, तो हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है, इसलिए तुमने जो भी पूछना है ना जाके उसी से पूछो।